जिस प्रकार से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और किसी समय भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, आचार संहिता लग सकती है, हमारे बीच में इस समय मौजूद हैं जिला पंचकुला के वीरेंद्र भाऊ, जो पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं और काफ़ी समाज सेवक हैं और राजनीति का अच्छा दम रखते हैं पंचकुला में। आओ हम इनसे आज बातचीत करते हैं कि किस प्रकार राजनीतिक जो है समीकरण बदलने वाले हैं। हाँ जी वीरेंद्र जी, आप मेरा बचपन इस इलाके में बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। मैं रामगढ़ परिवार से निकला, उसके बाद हमारे बुजुर्गों की ज़मीनें खटौली गांव में थी। खटौली 1952 में मैं पैदा हुआ। उस टाइम का हालत खटौली के बहुत बुरे थे, ना कोई रास्ता था ना कोई सड़क थी और बड़ा कठिन वो था। वहीं गांव के स्कूल में शिक्षा ली। शुरू से मैं बचपन से लोगों के साथ जुड़ा हूँ, अपने इलाके का लोग प्यार करते हैं, बड़े ज़िम्मेदार थे बुजुर्ग, तो समाज सेवा का मुद्दा शुरू बचपन से ही है हमारे गांव में। जब उसके बाद हम खगेसरा में आ गए, जब भी मोरनी साइड के लोग आते थे हमारे गांव में रुकते थे, रात को रुकना आराम करना, उसके बाद अम्बाड़ा जाना या मुबारकपुर से ट्रेन पकड़नी थी। बचपन से मैं अपने बुजुर्गों का सेवा भाव देखता हुआ वही आदत मेरे को पड़ गई। उसके बाद मैंने BA 72 में अम्बाड़ा से करी। इस इलाके में 72 के बाद जब हरियाणा हाईवे बनी तब डेवलपमेंट हुई। उसके बाद 2001 में मैं जिला परिषद का मेंबर बन गया। पहले भी राजनीतिक जीवन समाज सेवी था और उस इलाके से बना जहां गुज्जर बाहुल इलाका है, उन्होंने मेरे को जिताया। जिस बरादरी से मैं हूं उसका तो एक भी गांव उस एरिया में नहीं पड़ता था। उस दूसरी बार 2005 में रैपरानी से बनाया जिला परिषद का मेंबर, वो भी मेरी जाति के, तो वहाँ 500 वोट थी, दूसरी जाति उन्होंने मेरे को मिलाया। मैं जात पात में विश्वास नहीं लगता, लेकिन हर एक जाति मेरी मदद करती है। मैं तो राजनीति में लोगों की सेवा करने के लिए हूँ और यही करता आ रहा हूँ, यही करता रहा हूँ। राजनीतिक आदमी हूँ, BJP का वर्कर हूँ। जो BJP पार्टी मेरे को कार्य देगी वो मैं करूँगा। उम्मीद है इस बार मेरे को BJP पार्टी सेवा देने करने का मौका देगी और उसके लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा और लोगों को दिल जान से हर एक बरादरी की सबकी सेवा करूंगा। भाऊ जी, आप इस इलाके में जैसे बहुत पिछड़ा हुआ था और आप जिला परिषद के जब चेयरमैन थे, आपने कभी गाँव की काफ़ी कायाकल्प की, उनके नए प्रोजेक्ट दिए, तो आप अपने अपने टाइम में कुछ विकास कार्यों की बात करें। सबसे पहले जब जिला परिषद का चेयरमैन था, पूरे इलाके में सड़कें नहीं होती थी 2005 में, फ्रेश वाले नहीं बनने देते, कहते वो फ्रेश में सड़क नहीं बनेगी। हमने सड़कें तोड़ी इलाके में जीवे में बनाई, फ्रेश वाले 3 लाख रुपए पर किलोमीटर में बनाते थे। जब मैं आया मैं उसको 50,000 रुपये पर किलोमीटर में बनाई। इसी तरह हमारे इलाके में ट्यूबवेल का बोरिंग का खर्चा, जो मैं जिला परिषद में आया बोरिंग का खर्चा 10 से 12 लाख रुपया था, लेकिन मैं जिला परिषद के बनने के बाद, क्योंकि मेरे को पता है बोरिंग में कितने पैसे लगते हैं, 3 से 4 लाख रुपए पर बोर मैंने किया। ये सरकार का इतना पैसा बचाया और ऐसे मैं कार्य करता हूँ और करता रहूँ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।